हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडीयू चैंप लाइव क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक रोज करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आते हैं रोज, जिसमें जितने हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं हम उतना मैक्स टू मैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरे पास 15 क्वेश्चंस हैं जिसके हम सारा कवर कर लेंगे, उसके अलावा आपका आज के करंट अफेयर्स में कुछ नहीं छूटेगा। तो देखते हैं कि करंट अफेयर्स सबसे पहले देखते हैं किस किस एग्जाम में आते हैं। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर्स तो आता ही है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप अगर बेसिक आप जानना चाह रहे हो कि दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है तो भी आपको करंट अफेयर्स जान लेना चाहिए। और देखते हैं क्या चल रहा है, क्या पूछा जा सकता है। आप न्यूज देखते हैं उसमें आपको पता नहीं चलता कई बार कि कौन सी न्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन जो बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका कंपाइलेशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किसने इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन तकनीक पर एक नीति लाने का ऐलान किया है। देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका थोड़े जो भी डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, वो बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चंस और उनके आंसर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्या है, किसने ई मोबिलिटी, पहले देखते हैं ई मोबिलिटी होती क्या है, मोबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं, फिर पता चलेगा ई मोबिलिटी क्या है। इसे तो आपको पता है इलेक्ट्रिक हो गया, मोबिलिटी मोबिलिटी पे आज के इस करंट अफेयर्स में 3 क्वेश्चन है, तो पहले देख लेते हैं मोबिलिटी क्या होते हैं। मोबिलिटी मतलब जो वाहन जो हम चलाते हैं, जो मतलब यातायात के से रिलेटेड जो चीजें होती है वो होती है मोबिलिटी में, ठीक है। तो आपको पता है जो पेट्रोल से चलने वाले जो साधन है, पेट्रोल जैसे आप पता है जो एक वो है एस्टिमेट है 50 साल तक और रहेगा पेट्रोल, उसके बाद कंजप्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और दूसरे जो साधन है सौर ऊर्जा, इन पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है ई मोबिलिटी से, उसमें क्या होगा, किसने लॉन्च की, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की ई मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये था, उसके अलावा एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, वो भी मैं तीनों साथ में करा देता हूँ। मोबिलाइज योर सिटी, ये जो MYEC मोबिलाइज योर सिटी ये एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपल बहुत सारे देशों का मिलके 20 कंट्रीज है इसमें, कंट्रीज हैं और 100 सिटीज हैं। इसमें क्या हुआ, इन्होंने मिलके एक इनिशिएटिव किया मोबिलाइज योर सिटीज, मतलब क्या करेंगे कि आपके जो शहर में, मतलब हर जो शहर जिनको सिलेक्टेड जो किए गए हैं, आपको पता है दुनिया भर में लगभग 7.5 अरब लोग हैं, जो क्या होगा 2050 तक 10 मतलब 1,000 करोड़ तक आबादी हो जाएगी दुनिया की। जितने लोग बढ़ेंगे उतने ही साधनों की जरूरत पड़ेगी, उस पर से जैसे कि अभी 1.2 मिलियन कितने हैं व्हीकल्स हैं, तो ये 2 मिलियन तक हो जाएंगे। तो जो यूएन का एक प्रोजेक्ट था जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है 2050 तक, तो वो हम मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हमने व्हीकल्स का, मतलब जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज्यादातर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको हमें अगर कम करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमारी सिटीज को मोबिलाइज करेंगे, कार गाड़ियां जितना लोग कम खरीदेंगे उतना अच्छा होगा, पॉल्यूशन कम होगा। आपको पता है सिटीज में पॉपुलेशन कम रहती है, उसके बावजूद जो 70% जो पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन है वो कौन करता है, सिटीज में होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे साधन ज्यादा चलते हैं सिटीज में, बिल्डिंग्स और इनकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, कम एरिया के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ऐसी ऐसी गैसेस निकलती हैं जो ग्रीन हाउस में जाती है, CO2 वगैरह, और उनसे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हम दुनिया भर ने ये क्या बनाया है, मोबिलाइज योर सिटीज प्रोजेक्ट है स्टार्ट किया है। इससे क्या होगा, हम जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, जो जैसे सिटी बसेस हैं,
उनका इस्तेमाल ज्यादा करें, उनकी अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो लोग कार कम खरीदेंगे, मेट्रोज अगर ज्यादा चलेंगी, ज्यादा इस हिसाब से कनेक्टिविटी होगी तो लोग कार कम खरीदेंगे। जितना अच्छे से मोबिलाइज होगी सिटी उतना ही व्हीकल्स कम खरीदे जाएंगे, प्राइवेट व्हीकल्स कम खरीदे जाएंगे, उससे क्या होगा, ये पोल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, पर्यावरण और इन्वायरमेंट जो है उसको हम बचा पाएंगे। तो ये एक उसका पार्ट बना है इंडिया अभी। तो ये पूछा है मोबिलाइज योर सिटी का, इन्होंने किस किसने वो किया है साइन, तो ये इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इन्होंने किया है, साइन किया है इस प्रोजेक्ट में। तो 20 कंट्रीज में से एक भारत भी है उसमें से, ठीक है। तो ये था, फिर था मोबिलाइज पे एक और किस्म किया था, फिर है बाहर, ये हो गया, फिर है ठीक आएगा तो मैं बता दूंगा। समुद्र को साफ रखने और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभियान, समुद्री सफाई अभियान कहां नहीं का नाम क्या है, वो क्या नाम है लॉन्च किया है, ओशियन क्लीनअप। एक जो एक इंजीनियर है वहां के, क्या बोलते हैं, डच के, मतलब नीदरलैंड के हैं, उन्होंने ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। वो जब 16 साल के थे तब से उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और अभी 24 साल की उम्र तक उन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड बना दिया है, और इसके लिए डोनेशन मिल चुका है लगभग $31.2 मिलियन का, US डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ओशन क्लीनअप नाम का ये एक इनिशिएटिव है, समुद्र में जो प्लास्टिक और गंदगी कचरा आ जाता है उसकी सफाई के लिए, उसको संरक्षण के लिए, एनवायरमेंट की को प्रोटेक्ट करने के लिए ये है ओशन क्लीनअप, ठीक है। तो बोयाट नाम है उनका, जो इसके जो जिनके जो इसके फाउंडर हैं, जो नीदरलैंड के हैं, ठीक है। फिर एक्सिस बैंक की एमडी शिखा शर्मा की जगह किसे बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। देखो बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है, चाहे ये है एक्सिस बैंक है, चाहे एसबीआई है, पीएनबी है, तो इनके सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी इकोनॉमी में जैसे कौन कौन, मैं बताता रहता हूँ किसका जिसका अपॉइंटमेंट होता है, कौन होता है उनका, आपको पता होना चाहिए। तो शिखा शर्मा जी पहले एक्सिस बैंक की दो बार रही थी वो एक्सिस बैंक की सीईओ, और अब किनको बनाया गया है सीईओ, ये कौन बनाए गए हैं, अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का बनाया गया। चलो एक का पूछा है, मैं पूछूं आपसे एक्सिस बैंक है ना, पीएनबी बैंक का कौन है, तो पीएनबी बैंक का जो सीईओ है वो कौन है, सुनील मेहता, ठीक है। और वैसे ही अगर एसबीआई का पूछ लिया जाए तो कौन है, पहले कौन थी अनुराधि भट्टाचार्य और अब कौन है, अरिजीत बासु, ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कौन सा बैंक के सीईओ कौन है, तो एक्सिस बैंक का बता दिया मैंने अमिताभ चौधरी, पीएनबी के सुनील मेहता और एसबीआई के अरिजीत बासु। तो ये आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बड़े बैंक है, इनका नाम, इनके सीईओ का नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी, एसबीआई और पीएनबी के तो स्पेशली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है भारत के 3 सरकारी बैंकों पर किस संस्था ने एक समय एक्शन, सही समय पर एक्शन न लेने पर और रिपोर्ट न जारी करने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1-1 करोड़ का। पहले देखते हैं किसने किया होगा, ऑब्वियस क्वेश्चन है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। देखो एक तो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो नाम से सेंट्रल बैंक है, लेकिन एक्चुअल कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसको बैंक ऑफ बैंक्स बोल सकते, वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने 3 बैंकों पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया, पेनल्टी लगाई 1 करोड़ की। और ये 3 बैंक कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और तीसरा कौन सा है, 3 थे ना, तीसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 3 बैंक हैं जिन्होंने ढंग से जो आरबीआई के रूल थे उनको फॉलो नहीं किया,
तो इन पे एक एक करोड़ का जुर्माना लगा है, ठीक है। तो ये आपको इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, स्पेशली जो एक करोड़ का जुर्माना लगा वो पूछ सकते हैं कितने का लगा, तो एक करोड़। और कौन कौन से बैंक तीनों, ये आरबीआई ने लगाई, ये ऑब्वियस बात है, इसमें ज्यादा तो क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता कि किसने लगाया, क्योंकि सब जानते हैं। फिर है क्या है कि एक नया स्कीम आई है, किसके लेके 200 से लेके 2000 तक के जो नोट है उनकी क्या होगा, कटे फटे होने पर नए रूल लेके आए हैं आरबीआई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आरबीआई ने एक नया रूल लेके आया है 200 से लेके, 200 का नोट पता है आपको आया हुआ है मार्केट में काफी टाइम से, 2000 का नोट, इन दोनों के बीच में जो भी नोट आए 200 के बीच, 200 500 1000 2000 तीन ही नोट हैं, इन तीनों के बाद अगर ये फट जाते हैं आपके या कट जाते हैं किसी भी तरह से, तो उस रॉट की रेट उस बैंक तय करेगा, मतलब 50% से लेके 2000 का नोट आपका बिल्कुल फट गया है तो उसकी रेट 1000 ही मिलेगी। अगर ठीक है, कंडीशन नॉर्मल है और मतलब पैसे नहीं चल रहे हैं मार्केट में, तो उसकी आपको 2000 दे देंगे बैंक। लेकिन इस पे डिपेंड करेगा, बैंक की जो नोट की करंट कंडीशन है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहले ऐसा रूल नहीं था, पहले था कि वहां पे जाके चेंज हो जाता था। फिर है गगनयान मिशन, आपको पता है गगनयान मिशन, इनके बीच में पहले मैंने कुछ दिनों पहले जो ये क्वेश्चन पहले भी कराया था, अब अलग चीज बता रहा हूँ, लेकिन गगनयान मिशन किनके बीच में साइन हुआ, ये 2022 तक का मिशन है, इंडिया और फ्रांस ने मिलके ये मिशन चलेगा, इसरो जो इंडिया की एजेंसी है प्लस फ्रांस की एजेंसी मिलके अपना एक सैटेलाइट मतलब एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे वहां पे, और इसकी क्षमता कितनी होगी, कितना ये लेके जा सकती है वेट, इसका बताया था कितना, 2 पॉइंट कितना था, 3.7 टन, इतना वेट लेके जाने वाला एक ये गगनयान बनाया जाएगा, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट भी जाएगा। तो ये लाल किले से घोषणा की थी नरेंद्र मोदी जी ने, और क्या किया था इसके साथ, किसके साथ साइन किया था इन्होंने, एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ एमओयू साइन किया था इन्होंने, इंडिया और फ्रांस ने, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या क्वेश्चन बनाया, एक कि पहली बार एक अंतरिक्ष एजेंसी बनाने का स्वदेशी अंतरिक्ष सूट बनाया, पहले क्या था इंडियन जो जाते थे एस्ट्रोनॉट्स उनके लिए जो सूट बनाता था वो नासा से था, तो इसरो ने अभी सूट बनाया है पहली बार इंडियन सूट, ठीक है। 2 साल की मेहनत से बनाया है, आपको पता है अंतरिक्ष में जाते हैं ऑक्सीजन नहीं होता, अलग अलग तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वहां पे सर्वाइव नहीं किया जा सकता नॉर्मल जो कपड़े हम पहनते हैं उनसे, तो एक सूट बनाया जाता है एस्ट्रोनॉट सूट, वो बनाया है पहली बार इंडिया ने, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सबसे तेज 18,000 रन बनाए, इंडियन ने नहीं और वर्ल्ड में ही उन्होंने सबसे तेज 18,000 रन बनाए। और आपको जब रिकॉर्ड्स की बात आती है तो विराट कोहली का नाम पहले आता है, वो रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, तो काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं आपको याद रखने हैं, किन्होंने बनाया, विराट कोहली कितने में कितनी इनिंग में 382 इनिंग्स, इतनी इनिंग्स में बना दिया रिकॉर्ड, किसका तोड़ा, ब्रायन लारा जिन्होंने 411 इनिंग में बनाए थे 18,000 रन, लारा जो साउथ मतलब वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे, तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर ने कितने में बनाया था 412, और पोंटिंग विकी पोंटिंग जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे उन्होंने 422, तो रिकॉर्ड किसका तोड़ा, ब्रायन लारा का, आपसे पूछा जा सकता है कब बनाया। ओवर में जो अभी चल रहा है पांचवा टेस्ट, उसमें फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 49 रन बनाए, तब इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा, 382 इनिंग में टेस्ट वनडे और T20 में सब मिलाकर उनके 18,000 रन हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में और फास्टेस्ट हो गए, ठीक है। फिर है 10 सितंबर से पुणे में शुरू होने वाले बिम्स्टेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास में किस देश ने अपने सेना को भेजने से मना कर दिया। पहले आपको पता होना चाहिए, देखो मैंने सार्क का आपको बताया था, लेकिन अलग से भी हम वीडियो बना देंगे, बिम्स्टेक कंट्री कौन सी है, सार्क कंट्री कौन सी है, बिम्स्टेक बिम्स्टेक नेशन कौन से है, पहले आपको पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। पहले बी फॉर है बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले कंट्रीज के बारे में बात होगी,
इनिशिएटिव, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी, ये क्या है, एस फॉर क्या होगा, मल्टी सेक्टरल, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल, बड़ा नाम है पर आपको पता होना चाहिए, एक बार दिखेगा ऑप्शन में तो आप बता सकते हैं, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इतना बड़ा तो इसका नाम है। कितने मेंबर कंट्री हैं इसके, 7 हैं। अब 7 हैं, उनमें पूछा जा सकता है कौन सा इसका बिम्स्टेक का मेंबर कंट्री है। इसकी हेडक्वार्टर ढाका में है, ठीक है, 1997 में स्टार्ट हुआ, ढाका कहां पे है, बांग्लादेश में। तो पहली आपको बात पता चल गई कि बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, इंडिया तो होगा ही क्योंकि हम इंडिया में हैं, तभी बिम्स्टेक की बात करेंगे, बाकी हमें क्या करना है, ठीक है, बिम्स्टेक, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, और कौन कौन है हम उनके नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे मैं नाम बता देता हूँ, पहला है इंडिया, दूसरा है बांग्लादेश, और तीसरा जो इस कंडीशन है वो है नेपाल। और यही इसका आंसर है कि कौन सा देश है जिसने अपना पहला सैन्य अभ्यास पुणे में जो होने वाला है उसमें भेजने के लिए मना कर दिया, तो था नेपाल। उन्हीं की जो संसद है उन्होंने मना किया कि हम अपनी सेना को नहीं भेजना चाहते बिम्स्टेक में, तो ठीक है नहीं भेजे, तो ठीक है उन्होंने मना कर दिया। अब क्या हुआ, उसके अलावा अक्टूबर में बिम्स्टेक की 8वीं जो होगा सबमिट होगा। अब देखते हैं, ये तो सितंबर में होगा पुणे में, और अक्टूबर में जो इसका सबमिट होगा वो होगा गोवा में, ठीक है। तो फोर्थ जो कंट्री है वो कौन सी है, भूटान भी आपको पता है बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है। फिफ्थ है म्यांमार, ये भी पड़ता है, ठीक है। सिक्स्थ है थाईलैंड, ठीक है, और सेवंथ है श्रीलंका। तो इससे रिलेटेड मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बता दिए इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं बिम्स्टेक नेशंस में। ये 7 कंट्री आते हैं, इसका पूरा नाम ये है, और नाम से आपको पता चल रहा है कि किस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन होगा, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन दीज कंट्री, ठीक है। इन देशों के बीच में अपने कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए ये 1997 में बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन। कहां पे बनाया गया, ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। 7 देश के नाम आपको पता होना चाहिए, कभी पूछ लें अचानक से कि क्या पाकिस्तान बिम्स्टेक कंट्रीज का मेंबर है, तो क्या होगा, नहीं। चाइना है, नहीं है, ठीक है। तो कौन है, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है। ये कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक नेशंस हैं, इनका सबमिट होने वाला है। उससे पहले एक पहला सैन्य अभ्यास होगा, और उसमें नेपाल ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। फिर है, निम्न में से किस देश ने अपनी 70वीं सालगिरह पर सैन्य परेड निकाली। तो 70वीं सालगिरह, अभी सालगिरह मतलब देश बनने की जो तिथि है वो है, मतलब आपको पता है जो कोरियन पेनिसुला है, कोरियन पेनिसुला आपको पता है, यहां हमारा भारत, यहां पे ये देखो ये येलो सी जापान, और यहां पे है कोरियन पेनिसुला, ठीक है। पेनिसुला क्या होता है, प्रायद्वीप, जिसके चार तीन तरफ क्या होता है, पानी, और एक तरफ लैंड होती है, ठीक है। तो इंडिया का भी ये पेनिनसुला बोलते हैं नीचे वाला, उसी तरह से। तो ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया के बीच में इतने सालों से वॉर चल रही है, ऑफिशियली कई वॉर कभी खत्म नहीं हुई, सीज फायर चल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो इस देश के बनने की उम्र हुई है 70 साल। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, अपने 70वीं सालगिरह पे जो इन्होंने क्या किया है, सैन्य अभ्यास किया, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत से देश करते हैं सैन्य अभ्यास। इन्होंने साइन किया था, अभी सिंगापुर समिट हुआ था, सबको पता है, इनके जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने इनके साथ किया था, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिंगापुर समिट हुआ था। उन्होंने उसमें क्या बात हुई थी कि ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ देंगे,
ठीक है गिव अप कर देंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम को, लेकिन इन्होंने गिव अप करने की बजाय अभी भी उन मिसाइलों को दिखाया है उस प्रोग्राम में कि हम अभी भी यूएसए की जो मेन लैंड यूएसए है उस पर हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है, दोबारा से क्या होगा, इससे शांति भंग होती है दुनिया भर में और जो लड़ाई का खतरा है वॉर की जो है वो कंडीशन बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये करंट में आ गया, तो वरना हमारा से इतना रिलेटेड है नहीं। फिर है, हाल ही में लगातार पांचवे साल में कौन से बैंक ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का ब्रांड बना। देखो मूल्यवान ब्रांड मतलब टॉप 20 ब्रांड्स में लिस्ट होती है, टॉप 20 में जैसे लिख देता हूँ ब्रांड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस लिस्ट में पिछले 5 साल से एक ही वो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, बार बार फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक इसने वापिस 5वीं साल फर्स्ट पोजीशन पे आया है नंबर 1 ब्रांड में, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। फिर है, हाल ही में किसने 18वें एशियाई खेलों के विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अब नगद पुरस्कार दिया, कितना दिया वो देखते हैं। तो जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, कौन है गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, इन्होंने प्लस जो खेल मंत्री है वो कौन है, हर्षवर्धन राठौर, ठीक है, हर्षवर्धन राठौर। ये कौन है, ये हैं होम मिनिस्टर प्लस ये कौन है, ये हैं खेल मंत्री मतलब एथलेटिक्स में जो है खेल मंत्री एथलीट्स, ठीक है। और खुद भी ये वो रहे हुए हैं, बहुत बड़े एथलीट रहे हुए हैं, इन्होंने मेडल भी जीता हुआ है। तो ये होम मिनिस्टर, इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड मेडल जीतने वाले को क्या दिया, 40 लाख रुपए, 40 लाख, सिल्वर को जीतने वाले को दिए 20 और ब्रॉन्ज को जीतने को दिए 10। तो ये नगद पुरस्कार दिए हैं 18वें जो ओलंपिक हमारे एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता के इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता जो शहर है जकार्ता, जहां वो इंडोनेशिया का कैपिटल है। मैंने उस पर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, क्योंकि एशियन गेम्स पे आने वाले एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर है, अगला क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन से खिलाड़ी ने हाल ही में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो आपको पता है पहले था रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड, वो देखना नहीं थोड़ा किसका, हमें जानना है कि किसका किसने बनाया। तो एलिस्टर कुक 30 मैच खेल चुके हैं इंडिया के खिलाफ, 30 टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, ठीक है, वर्सेस इंडिया, ये रिकॉर्ड है अपने आप में इंडिया के खिलाफ, किसी भी प्लेयर ने इंटरनेशनल प्लेयर ने 30 टेस्ट मैच खेले नहीं है। इनके अलावा एलिस्टर कुक अभी रिटायर हो रहे हैं, जो पूछा जा सकता है इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में इन्होंने रन बनाए हैं लगभग 12,500, ठीक है, अभी भी खेल रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट क्योंकि नो डाउट है लास्ट मैच है और नो डाउट खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या 12,500 से ज्यादा रन बनाए, दूसरे नंबर पे है वो बहुत पीछे 9,000 के आसपास है। तो इनका क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा रन और इंडिया के खिलाफ कब लिया इन्होंने संन्यास, लास्ट जो टेस्ट है इंग्लैंड के प्लेयर है, ये भी पता होना चाहिए। फिर है, मैं मोबिलिटी पे बोल रहा था, एक सवाल आएगा वापस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में मोबिलिटी शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया। तो ये मोबिलिटी शिखर सम्मेलन है, ये कहां हुआ, मोबिलिटी समिट कहां हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, और जो विज्ञान भवन है दिल्ली का वहां पे हुआ, ठीक है, विज्ञान भवन में जो भी फेमस है वो विज्ञान भवन नाम से ही पूछा जाएगा, विज्ञान भवन हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो विज्ञान भवन में हुआ ये कौन सा मोबिलिटी समिट। और मोबिलिटी की मैं बता चुका हूँ अगेन एंड अगेन कि किससे रिलेटेड है, परिवहन यातायात से रिलेटेड है, उसको बेटरमेंट के लिए ये काफी सारी स्कीम्स चलाई जा रही है दुनिया भर में। फिर है, हाल ही में देश के राष्ट्रपति किस देश के प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, आप वहां भी इसको ठीक कर लेना, किस देश के प्रधानमंत्री ने
करतारपुर साहिब कॉरिडोर को भारत के लिए खोलने के लिए सहमत हुए। तो करतारपुर जो कॉरिडोर है पंजाब से जोड़ता है, और आपको पता है जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो गए थे पाकिस्तान इमरान खान के उस पे, जो उनका जो प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था वहां, वो उनके सेमिनार प्रमुख से मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये करतारपुर वाला जो हाईवे है ये खोल दिया जाए, किस लिए, गुरु नानक जी की पुण्यतिथि आ रही है 550वीं पुण्यतिथि, गुरु नानक देव जी। तो पाकिस्तान इस पे सहमत हो गया है कि हम गुरु नानक जी की 550वीं पुण्यतिथि पे इस हाईवे को खोल देंगे ताकि श्रद्धालु वहां पे आके क्या कर सके, दर्शन कर सके। लेकिन इंडिया ने अभी तक किसी पे किसी तरह का कोई ऑफिशियल वो दिया नहीं है स्टेटमेंट कि ये इंडिया खोलेगा या नहीं खोलेगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है रिलेशन ठीक नहीं है, तो हो सकता है खोले या नहीं खोले वो आगे देखने को पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान ने दे दिया है। तो इसका आंसर क्या है, इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री हैं 22वें पाकिस्तान के, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।